मित्रों, YouTube से न्यू अपडेट। YouTube ने हाल ही में एक नया अपडेट घोषित किया है। इसके अंदर इन्होंने सब्सक्राइबर हाइड नहीं करने का प्रावधान रखा है। इस बारे में हमें यह समझनी होगी कि यह YouTube का नया अपडेट इथिकली ठीक है। हाँ बिल्कुल, इसका जवाब है हाँ बिल्कुल। हम और आप जैसे YouTube क्रिएटर्स अपने सब्सक्राइबर्स को छिपा दिया करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा करने के पीछे उनका एक ही नज़रिया रहता है। हम लोगों की नज़र में नहीं आ पाए कि हम स्मॉल क्रिएटर हैं। ऐसे स्मॉल क्रिएटर, हम स्मॉल क्रिएटर नहीं हैं ऐसा सोचकर हम ऐसा करते हैं, और व्यूअर्स, हम जैसे व्यूअर्स भी व्यूअर्स समझते हैं, यह यानी पता नहीं लगा पाते हैं यह YouTube क्रिएटर कितनी क्षमता वाला है, कितना प्रसिद्ध है, लोगों के बीच कितना पॉपुलर है, लोग कितने लोग इसे जानते हैं। और ऐसा नहीं जानने देने के लिए YouTube क्रिएटर्स सब्सक्राइबर को हाइड कर दिया करते हैं। YouTube ने यह बात समझा, लोगों के मालिफाइड इंटेंशन को समझा, गलत इरादों को समझा कि ऐसा कर अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसा समझने के उपरांत YouTube ने सब्सक्राइबर हाइड करने का ऑप्शन, जो पहले एडवांस में ही लोग कर दिया करते थे, उनके द्वारा दिया गया ऑप्शन YouTube क्रिएटर के लिए, इन्होंने हटा दिया। और अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम सब्सक्राइबर को दिखाते हुए, अगर हम YouTube क्रिएटर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को कैसे हम अपने अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाकर बनाए रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और व्यूअर्स भी कंटेंट को देखकर चयन करें, ना कि क्रिएटर्स के सब्सक्राइबर को।